सिवनी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में इन दोनों स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन दिनों आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां जिम्मेदार कर्मचारियों की उदासीनता के चलते जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक ओर जहां ग्रामीण इसके लिए जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ पीसीओ को सचिव का प्रभार दिया गया है। लंबे समय से स्थायी सचिव की मांग की जा रही है। ये कहना है कि ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में जहाँ तहाँ आप देख लीजिए, विशेषकर हमारे से बाजार चौक के कुल्ला टैन में देख लीजिए, और नालियाँ औपचारिक का निभाने के लिए थोड़ी सी सफाई कर दी जाती हैं और वहीं पर कचरा रख दिया जाता है, फिर वहीं नाली में चला जाता है, अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर आप स्टेशन के पास में देख लीजिए, पूरा पाइपलाइन फूटी हुई है, वहाँ गंदगी, जानवर, कुत्ते सब पानी पी रहे हैं, सब वहाँ पर गंदगी मची हुई, वही नल जल योजना के माध्यम से घरों में आ रहे हैं जी। स्थायी सचिव इसलिए यहाँ नहीं रहता कि यहाँ, जैसा पूर्व विधायक ने भी कहा है कि सबसे भ्रष्ट ग्राम पंचायत ये मध्य प्रदेश, इसमें कोई दो राय नहीं। साफ सफाई इसलिए नहीं हो पा रही कि गांव में सबसे बड़ी 129 पंचायत की जनपद पंचायत कान्हीवाड़ा है, वहां पर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। मैं जनपद में कई बार बताने की कोशिश की और बतलाई कि सर ऐसी ऐसी कंडीशन है वहां पर, क्या कहते हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और कचरा निकालने की जगह भी नहीं है, और पानी निकालने की निकासी भी नहीं दे पा रहे हैं, कर्मचारी की साथ नहीं दे रहे हैं, शिपर भी नहीं है यहाँ पर, और स्थाई हमको जो सचिव चाहिए वो सचिव भी नहीं है स्थाई। तो सबसे पहले बात तो यही होती है ना कि सचिव स्थाई होना चाहिए, जब सचिव स्थाई होगा तो काम अपने आप होगा, लेकिन यहाँ सचिव भी स्थाई नहीं है, और कचरा डाला रहता है तो पी के कर्मचारी डले रहते हैं। अपन यहाँ से बोलो जाके कि भैया काम करो, जाके बोलते मैडम ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब शिकायतें होती हैं वो एक दिन करेंगे, चार दिन डले रहेंगे, उनसे परेशान भी हो जाती हूँ मैं कई बार। देखिए, ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा जो है काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, और इसी तरह की एक दो और हमारी जो है बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, तो वहाँ वैसे निर्देश तो हमेशा दिए जाते हैं साफ़ सफाई के बारे में। अभी भी एक पत्र जारी किया गया है स्टैंडिंग ऑर्डर से कि हमेशा सफाई रखी जाए रोड किनारे और बाज़ारों में, हाट बाज़ारों में, गांवों में, गलियों में। लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब समस्या है तो अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं आई है, आप बता रहे हैं तो मैं अपनी जो है ब्लॉक से टीम भेज करके इसकी जाँच करवा लूँगी।